हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस हिना खान को कैंसर है। हिना इस जंग से लड़ रही हैं। हिना कैंसर को हराने में लगी हुई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हिना का थर्ड स्टेज का कैंसर है और फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज होती है। ऐसे में हिना की हालत सच में काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन हिना हर बार एक मुस्कुराहट के साथ उस चीज़ को टाल देती हैं, एक मुस्कुराहट के साथ उस बीमारी को हराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब आ रही है बहुत ही बड़ी खबर। वेल, हम आपको बता दें कि हिना खान के सपोर्ट में उतरी हैं अब रुबीना दिलेक। रुबीना ने किया हिना के लिए सबसे बड़ा काम, दी हिना के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, मान गए रुबीना को। क्या किया है रुबीना ने हिना के लिए, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस हिना खान के हाथ से उनके सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके निकलते जा रहे हैं। हिना बहुत ज्यादा इंटरनली भी वीक हो चुकी हैं। उनसे वर्कआउट भी ज्यादा नहीं होता है और वो बार बार चक्कर खा के गिर जाती हैं। और ऐसे में जो प्रोजेक्ट्स हिना के हाथ से जा रहे हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट रुबीना के पास पहुंचा। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट के ओनर ने रुबीना को कॉन्टेक्ट करा और वो लोग रुबीना को लेना चाहते थे। वो लोग रुबीना को हिना से ज्यादा फीस भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब रुबीना दिलेक को पता चला कि ये प्रोजेक्ट पहले हिना कर रही थी और सिर्फ इन लोगों ने हिना को इस प्रोजेक्ट से इसलिए निकाला क्योंकि अब हिना खान के सर पर बाल नहीं रहे, वो कैंसर से सफर कर रही हैं, कैंसर की पेशेंट बन चुकी हैं। ऐसे में रुबीना ने अपना बॉस लेडी अवतार दिखाया और हमेशा न्याय करने वाली रुबीना ने मना कर दिया कि मैं किसी भी कॉस्ट पर आपका ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में और कोई भी हिना के अलावा इस प्रोजेक्ट को ना करे। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ हिना करेगी। वो बीमार है, उसको कैंसर है और वो उससे एक बहुत ही बोल्डली लड़ रही है। वो झांसी की रानी की तरह उस बीमारी से लड़ रही है और आप लोग जानबूझकर उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कोई करेगा तो ये हिना ही करेगी। रुबीना की बातें सुनकर उन लोगों को अपने ऊपर शर्म आई और उन्होंने वापस हिना को कॉन्टेक्ट करा उस प्रोजेक्ट के लिए। वेल, दोस्तों, क्या कहेंगे आप रुबीना दिलेक के लिए और हिना के लिए भी, कमेंट्स में आप हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।